तो आज है 16 अगस्त और अभी लगभग बज रहे हैं 10, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी का प्लान ऐसा है कि हमको 11 बजे जाना है, अभी 10 बज रहे हैं, तो 1 घंटा बचा हुआ है। तो अभी मैं जाता हूँ डोसा खाने के लिए, और वही डोसा कुछ लोगों को खिला भी दूंगा, तो उससे दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और लगभग आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा मेरा, मतलब अभी तक के। अब देखते हैं आगे का कैसा जाता है। और बाय द वे आज 16 अगस्त है, मेरा बर्थडे है, तो विश भी कर देना यार। गाइस देखो, कल जो पेंट लगाया था ना, पेंट नहीं था एक्चुअली, डिस्टेम्पर क्या बोलते हैं इसको, क्या? तो देखो ये प्राइमर लग चुका है, यहाँ पे राइट वाले गेट में भी लगा दिए थे अपा ने, लेफ्ट में मैंने लगाया था। और ये पीछे देखो भटूरा आ गया, काली आ गई, और हयात थी, देखो हयात यहाँ पे फैली हुई है। 100 रुपये दो ना। तो अभी मम्मी मेरे को देगी 100 रुपये डोसा खाने के लिए, फिर आऊंगा तो फिर और दे देगी। हाँ, बस वो मेरे पास में पैसे नहीं है भैया। अभी देखो मैं और संजय भी डोसा खाने के लिए, और कितनी सारी पब्लिक है, मतलब बहुत सारी पब्लिक आई है, और टाइम भी लगेगा अच्छा खासा। ऑन होने से पहले तू दीजिए कि हम लोग, मैं गया था डोसा खाने के लिए, हमने दो डोसे पार्सल भी लिए थे कि किसी को दे दूंगा। अब मुझे एक लेडी मिली जो कि बहुत गरीब थी, उनके पाँव नहीं थे, तो उनको तो मैंने दे दिया, लेकिन कोई दूसरा मिला नहीं, तो एक डोसा और यहाँ पे पड़ा हुआ ही है। आप देखता हो कोई जाते आते मिलेगा तो उसको दे दूंगा, या तो फिर मम्मी को दे दूंगा। फिलहाल आज क्या था कि आज मेरा बर्थडे, तो हम लोग जाने वाले थे एक वाटर पार्क में जो कि पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक्चुअली सीन क्या हुआ, गौरव भैया को कुछ काम आ गया तो आ नहीं सकते। तो अभी मम्मी शीतल को कॉल कर रही है, अब देखते हैं शीतल भी आती है या फिर नहीं आती, वरना फिर मैं, मेरा भाई, मम्मी और संजय भी आपको जाना पड़ेगा। फाइनली कार आ चुकी है, 12 बज चुके, 11 बजे निकलने वाले थे, तो संजय भी आया, तैयार है बिल्कुल, मम्मी पापा अंदर तैयार हो रहे, मेरा भाई भी तैयार हो रहा है, पता नहीं इतना टाइम, मेरे भाई को तो टाइम लगेगा नहीं, मम्मी पता आधे घंटे से तैयार हो रही है, पापा यहाँ पे तैयार हो रहे धीरे धीरे। तो अभी कार भी हो चुकी है, पापा भी तैयार हो चुके हैं, मम्मी भी, मेरा भाई भी, संजय भी है अभी, लेकिन कार थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा दूर जाना नहीं है तो एडजस्ट हो जाएगा। बैठे देखो छोटी सी गाड़ी, ये देखो संजय भी है कार बैठे, पता मेरे भाई की गोदी के ऊपर, मेरा भाई अलग, मैं इधर हूँ आधे टांग हवे में, मम्मी इधर, पापा को तो टेंशन नहीं है, पापा बिल्कुल आगे अपने सामने बैठ गए, दिक्कत संजय भी है खो रही है। बाप रे, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा। तो अभी हम लोग लगभग आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है कि एसी चालू है, और संजय भी ऐसे मेरे भाई की गोदी में आके बैठे हुए हैं, और मेरी मम्मी को तो जगह मिल गई, मस्त है, बिल्कुल मेकअप वेकअप के साथ है, हमारे बॉर्डर उतर गया, हमारा बॉर्डर उतर गया भाई, तो सब नेचुरल कलर में आ गए। देखिए देखो सबसे अच्छा मैं दिख रहा हूँ भाई, पापा का सी है बिल्कुल, पता है बिल्कुल सामने की सीट में बैठ गए, बिल ऐसी तबाही मचा रहे, और हम लोग यहाँ पे संजय भैया बेचारे गोदी में बैठे हुए, जबकि सब कुछ यही मैनेज कर रहे हैं, गोदी में नहीं, गोदी, इसने कैची मार लिया पैर की, ये देखो हमारे पैर, देखो इसका पैर, ये कैची मार के बैठा है, ये मेरे भाई के पैर है, ये मेरे पैर है, वो मम्मी के, उनके पैर तो दिख ही नहीं रहे, उनके उनके पाँव तो अंदर ही है। पहुंच चुके यहाँ पे वाटर पार्क में, मेरा भाई, मम्मी और पापा आ चुके, पापा उधर जा रहे हैं वॉशरूम में, मम्मी यहाँ पे वेट करी मेरा, और संजय भी और मेरा भाई तो आगे जा चुके, तो मैं भी जाता हूँ अभी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट लगे, और 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच ही गए। संजय भैया मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, पिछले बार भी आने वाले थे लेकिन इनका मुँह फूट गया था, अभी ठीक है, और वो मेरा भाई वो तो अपनी मजे में, मम्मी उधर मजा आ रहा है। अभी हम लोग पहुंच तो चुके हैं यहाँ पे, ये गेट है, तो अभी अभी यहाँ पे हमको एंट्री करनी पड़ेगी, कितने लोग हैं, गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अभी देखो हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हमको एंट्री करानी पड़ेगी आगे, तो देखो इतना अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया सा माहौल है, पापा मम्मी भाई संजय भैया सब है, और सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली सही है, तो वो लोग भी देखो सेल्फी वेल्फी खींच रहे, मस्त सा बिल्कुल। फिलहाल तो अभी तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मेरा हिसाब पापा का हिसाब मम्मी का हिसाब हो गया, मेरे भाई का हिसाब अभी मेरी मम्मी दे रही है, भाई तो आपके साथ को। और पापा मज़ा आ रहा है, कैसा लगा अभी?
में लगेगा ना, अभी तो आए, अभी जस्ट आया है, अभी एंटर आया, उधर वहाँ पे एंट्रेंस करवाएंगे, फिर यहाँ पे मजे करेगी। और ही एरिया बहुत अच्छा है वैसे, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग एंड बहुत ही मस्त लग रहा है अभी तो। यहाँ पे हमको हाथों में चूड़ी बांधनी पड़ेगी, अगर जाना तो पहले मेरे हाथों में बांधो, मेरे हाथों में बांधो ये, तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में बांध रहा हूँ। रक्षा तो देखो मेरी पट्टी लग चुकी है, मम्मी के लगेगी, पापा के लगेगी, गौरव भैया, सॉरी गौरव भैया नहीं है, संजय भैया, पापा भाई, और यह है चेंजिंग रूम, मैंने तो चेंज कर लिया, पापा हमें भी करेंगे। और देखो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे सारी कार पार्क है और उधर जाना हमने को, तो फिलहाल अभी वो लोग ताला देखने गए लॉकर, वहाँ पे हम लोग सारे कपड़े और जितनी भी चीजें सब कुछ वही रखेंगे। और फिलहाल तो मेरे को अच्छा लग रहा है, और मैं आपको टिकट की प्राइस बता देता हूँ, इसकी प्राइस है 400 रुपीज़ है, ठीक है, और पहले 500 थी, इन्होंने बोले कि कुछ स्लाइड बंद है, इस वजह से प्राइस जो है 400 रुपीज़ है। आप देखते हैं वो वर्थ इट है या फिर नहीं है। अभी बारिश जो हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, वो तो अच्छी बात है, बारिश आ रही है, पापा ने अपना चेंज कर लिए, मम्मी अभी भी देख रही है कहाँ चेंज करूँ, लेकिन बारिश आ रही तो अच्छी बात है, फिलहाल तो मज़ा आएगा। और बारिश और तेज हो गई है गाइस, ये चड्डा मिला है मेरे भाई को, वो भी गीला चड्डा, किसी ने पहना हुआ, शायद अभी मुता होगा उसने भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने मुता होगा वहाँ पे, ऐसा चड्डा उसका छोटा सा, उसके ऊपर तो उसकी हाइट पहले ही ज्यादा है। अभी जो बारिश है बहुत तेज हो चुकी है, और शायद मैं उतना ब्लॉग आपको दिखा ना पाऊँ डीपली, क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है, और ब्लॉग शायद जो हमारे ड्राइवर वाले भी है, मेरे संजय भैया के दोस्त, वो शायद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे अभी। चलो मजा बहुत आ रहा है, खास करके पापा और मम्मी को जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा छोटा सा ये लेकिन मस्त मजा आ रहा है। ओ भाई उधर बच्चों, thank you।
que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh. Vamos a tomar toda noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover. अभी फिलहाल ये जो बंद हो चुका है, मम्मी ने बहुत ज्यादा फोटो क्लिक कराई, पप्पा भाई दादा और वो हमारे एक और एक भैया, बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा मजा आया पप्पा को आया, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। मम्मी मस्त है, पप्पा ने तो पूल नाचे, इतना खतरनाक नाचे, इतना खतरनाक नाचे पप्पा ने, क्या फील है भाई, कसम बोल रहा हूं, बहुत खतरनाक नाचे, बहुत ही मजा, बहुत ज्यादा मजा, बहुत तगड़ा। इन लोगों ने तो कुछ एंजॉय नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। किया अभी जाएंगे केक वेक काटेंगे और फिर घर निपटेंगे। अभी मैंने सब कुछ चेंज वेंज कर लिया अपना और अभी शायद यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके दूंगा, पापा मम्मी संजय भैया की, दादा की और वो एक और एक भैया उनकी, उसके बाद निकलेंगे कहीं, केक वेक काटेंगे और फिर खाना वाना खाएंगे। अभी बस मम्मी का वेट कर रहे, जैसे ही मम्मी आएंगी सब निकलेंगे। और वो जो पीछे भैया देख रहे हो, जितने भी गए शॉर्ट्स लिए, सारे के सारे इन्हें नहीं खींचे। हम लोग तो मस्त आतंक मचा रहे थे और इनका आतंक कैंसिल कर दिए। बस इन्होंने पैसे तो दे दिए लेकिन पानी को टच भी नहीं हुआ। ये बस मस्त हमारी व्लॉग व्लॉग शूट कर रहे, तो इनको थैंक यू सो मच यार, खतरनाक ब्रह्मचारी है। हाँ भाई भाई, कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। आतंक वातंक मचाओ बोला। तो अभी घर पे देखेंगे, रास्ते में कुछ खा खू लेंगे, उसके बाद घर में चिकन मटन और उसके बाद फिर केक वेक भी है। पापा ने तो फुल आतंक मचा दी किधर के। आज तो भाई पापा वो उधर है, फोन में बात कर, फोन पे बात कर रहे हैं। कैसा मजा? मजा आया एकदम मजा। देखो मेरा बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, सब कुछ मैंने ही उठाया, खर्चा वगैरह सब मैंने ही, सब खर्चा मैंने ही करवाया। पापा तुमको कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। संजय भैया बहुत तगड़ा मजा आ गया। संजय भैया ने तो फुल आतंक मचा दिए और मेरे को भी बहुत मजा आया। बस ये कि स्लाइड चल नहीं तो उतना एंजॉय को नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 400 रुपीज में आगे ठीक ही है। बस अभी हम लोग निकल ही रहे, बहुत मजा आया मेरे को भी, मेरे भाई ने तो बम फैलाम फुला किया। अभी 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 जा रहे हैं घर। By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide, hold tight. भी यहाँ पे सब लोग मिलके नाश्ता कर रहे, मम्मी खा रही सेव बूंदी, पापा और मैं समोसे। और गरीब हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं दिए भाई, गरीब हूँ मैं। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। तो अभी यहाँ से लगभग घर ज्यादा दूर नहीं है, घर चले गए, फिर वहाँ पे केक वेक काटेंगे। यहाँ से सब खा वा के हो गया, अभी जाएंगे घर और सब लोग थक चुके। मस्त मजा आया खाने में, चाय बहुत टेस्टी थी और यहाँ पे टकाटक चिप्स वगैरह भी है अपने पास। अभी जाते हैं घर फटाफट से। जस्ट बच चुके हैं 7 और अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। और अभी घर पे आने के बाद अभी जाना है भाई को कहीं तो मार्केट में कुछ लाने के लिए, फिर केक वेक आएगा। और मेरा सर जो है बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मम्मी का भी दुख रहा होगा, लेकिन मम्मी को तो खाना बनाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, भारी भारी सा, नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी को तो काम करना ही पड़ेगा केक लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने स्लाइड शो करके जितने भी पिक्स के लगा दिए, पापा और मम्मी दोनों मिलके देख रहे हैं मजे से और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो देखो मम्मी की पिक्स एक के बाद एक आई जा रही है। और यहाँ पे इन्जॉय, बहुत इन्जॉय किए पापा ने तो बहुत ज़्यादा, और मम्मी ने भी बहुत इन्जॉय करी, बहुत मज़ा आया आज। I'm so happy.
हैप्पी बर्थडे और यहाँ पे हयात और हयात का भाई दोनों आ गया और इनको लगी भूख तो इनको टोस्ट खिला देता हूँ अभी। आज का व्लॉग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, अभी लगभग 2 बजे मैं व्लॉग एडिट कर रहा था। आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, खास करके जिस तरीके से पापा और मम्मी के तरीके से पापा और मम्मी के फेस के ऊपर स्माइल है ना, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मम्मी और पापा दोनों ने कभी ऐसे वाटरफॉल में गए नहीं, ये तो थोड़ा छोटा वाटरफॉल था, लेकिन अगली बार नागपुर में एक वाटरफॉल है फन एंड फूड, वहाँ पे जाने का प्लान करेंगे, लेकिन वो सब मैं खुद के पैसे से करूँगा। अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो जितना भी कुछ भी किया था ना आज, वो सब ने अपना अपना किया था, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। पापा ने मेरे पैसे दिए थे, मम्मी के पैसे दिए थे, सब कुछ पापा ने किया था, तो पापा को बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भैया का प्लान ऐसा था कि 14 तारीख को जहाँ पे वो काम करते वहाँ पे जो स्टाफ है वो जाने वाला था उसी वाटर पार्क में, लेकिन उन्होंने खास मेरे लिए कैंसिल किया, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज जितने भी आपने जितने भी वाटरफॉल वाले जो शॉर्ट्स देखे या फिर देखे ना वीडियोस, वो सब के सब सुमित भैया ने किए, क्योंकि हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे, तो सुमित भैया को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि आने वाले कुछ टाइम बाद मैं पापा को ऐसे घुमा पाऊँ, मम्मी को घुमा पाऊँ, भाई को घुमा पाऊँ, संजय भैया को घुमा पाऊँ और साथ ही में वो जो सुमित भैया थे उनको भी। लिटरली संजय भैया इतनी ज़्यादा हेल्प करते मेरी मेरे भाई की, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे वो, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमेशा फटाफट आ जाते। तो यार अगर संजय भैया नहीं होते ना तो शायद इतना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। इसके पहले मेरा बर्थडे कभी भी मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया जिस तरीके से आज, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी 2 बज चुके तो मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है व्लॉग में बता देना, और थोड़ा लंबा व्लॉग हो गया होगा, कोई बात नहीं यार एडजस्ट कर लो, 18-20 मिनट का तो हो ही गया होगा। तभी बज रहे दो और सभी को गुड नाइट।